Assalamu alaikum. I am Muhammad Yusuf Mehman, O-level Islamiyat and Pakistan Studies teacher, and the owner and the founder of Fort Institute. Now, I am the director at Wisdom House Education System. Video banane ka jo maksad hai, aur jo aap logo se baat karne ka maksad hai, wo hai hamare paas 13th August ka result. Bahut sare students ka concern aa raha hai ki sir 13th August ko result aayega, to kaisa aayega? किस तरीके का रिज़ल्ट आएगा? तो सबसे पहले आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी. क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इस्लामियात पाकिस्तान स्टडीज़ मुझसे पढ़ा है, तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा. सेकेंडली, जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आप लोगों का रिज़ल्ट आप लोगों को डिफ़ाइन नहीं करता. चाहे आपका ए स्टार आए, चाहे आपका ए आए, चाहे बी आए, या फिर अनफॉर्चुनेटली किसी भी रीज़न की वजह से आपका डी या ई ग्रेड है, ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपका क्या ग्रेड आता है. मैटर क्या करता है कि आपने एफर्ट्स कितनी करी. मैटर ये करता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी करी. मैटर ये करता है कि आप लोगों ने मेहनत कितनी करी. पेपर से पहले जाग जाग के आप लोगों ने पढ़ा, पेपर से पहले आप लोगों ने वीडियोस देखी, पेपर से पहले रातों को आपने क्लासेस अटेंड करी, दिन में तीन तीन क्लासेस अटेंड करी, साथ ही साथ आप लोगों ने रिकॉर्डिंग्स देखी, साथ ही साथ आप लोगों ने खूब प्रैक्टिस करी कि हम अच्छे से अच्छा स्कोर करें. तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं. फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, उसका रिज़ल्ट अच्छा भी आ जाता है, उसका रिज़ल्ट किसी भी रीज़न की वजह से अच्छा आ जाता है, तो ये चीज़ मैटर बिल्कुल करती है कि क्या रिज़ल्ट के बाद उसको इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडीज़ आता है या फिर वो भूल गया. क्या जो इस्लामियात के अंदर उसने चीज़ें पढ़ी, जो चीज़ें सीखी, क्या वो अपनी ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है? क्या वो पाकिस्तान स्टडीज़ जो उसने पढ़ी, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो आपकी ज्योग्राफी हो, क्या वो सारी चीज़ों को अपनी करंट लाइफ से, जो हमारे सिनेरियोस चल रहे हैं, क्या उससे वो रिलेट कर पाता है? ये चीज़ें मैटर करती हैं. ये चीज़ मैटर करती है कि आपने कितना अच्छा पढ़ा. ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपका कितना अच्छा ग्रेड आता है. 13th August को मैं सबके लिए अवेलेबल होऊंगा. आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे मुझे अप्रोच कर सकते हैं, अपना रिज़ल्ट बताएंगे, चाहे ए स्टार हो, चाहे ए हो, चाहे कोई बुरा ग्रेड हो, मैं आप लोगों को सबको जवाब दूंगा. मैं आप सब लोगों को ओन करता हूं, चाहे आपका अच्छा रिज़ल्ट आए, चाहे बुरा रिज़ल्ट आए. मेरे लिए वो स्टूडेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका बुरा रिज़ल्ट आता है और वो परेशान है. आपने मुझसे कांटेक्ट करना है और मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आपने क्या करना है. सेकेंडली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि कुछ स्टूडेंट्स 10th ग्रेड के अंदर बहुत अच्छा रिज़ल्ट ले आते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो 11th ग्रेड के अंदर अपनी क्लासेस को इतना ज़्यादा नॉन सीरियस एटीट्यूड रखते हैं और पढ़ते हैं, और फिर ग्रेड अच्छा नहीं आ पाता. तो बाज़ोकात कभी आपका ग्रेड अगर बुरा आ जाए, तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको एज अ मोटिवेशन लो, उससे चीज़ें सीखो कि क्या गलतियाँ हुई, उन गलतियों को सही करो और अगले साल अच्छा ग्रेड लाओ. ऐसी हज़ारों एग्जाम्पल हैं जिनका पहले साल किसी भी रीज़न की वजह से ग्रेड बुरा आ जाता है, और उसके बाद वो दूसरे साल मेहनत करते हैं और दूसरे साल जो गलतियाँ उन्होंने पहले साल में की होती हैं वो नहीं करते और अच्छा स्कोर करते हैं अगले साल के अंदर. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पहले साल इसलिए अच्छा स्कोर नहीं कर पाते क्योंकि वो रट्टाफिकेशन में अच्छे नहीं होते या वो लॉन्ग आंसर्स में अच्छे नहीं होते, लेकिन जो दूसरा ईयर हमारे पास होता है उसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को, सारी चीज़ों को देखते हुए, फॉर्मेट्स को देखते हुए, तरीका समझते हुए वो अच्छे से अच्छा स्कोर करते हैं. तो मैं आप सब लोगों को ये कहूँगा कि आप लोगों का ग्रेड मैटर नहीं करता. मैटर जो करता है वो आपकी एफर्ट्स मैटर करती हैं. तो उम्मीद है कि आप लोग मुझे 13th August को कांटेक्ट करेंगे. और जहाँ तक जिन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें आपसे फिज़िकली मिलना है, तो मैं 14th August को विजडम हाउस एजुकेशन सिस्टम, जो कि गार्डन के अंदर अवेलेबल है, मैं उधर होऊंगा. और इंशाल्लाह वहाँ पर मैं फ्रॉम 9 in the morning टिल मैं वहाँ पर 12 बजे तक वहाँ पर मौजूद हूँ. आप लोग वहाँ पर आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो मेरा पेड स्टूडेंट हो, फिज़िकली पढ़ता हो, ऑनलाइन पढ़ता हो, या फिर मेरी यूट्यूब कम्युनिटी में से हो, कोई भी स्टूडेंट वहाँ पर आकर मुझसे मिल सकता है और हमारे स्कूल को भी विज़िट कर सकता है. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.